शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन जानने के लिए नोटिफिकेशन के इस आइकन को दबाना ना भूलें। क्या नाम है आपका? सईदा। कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद। इलाहाबाद में कहाँ से? अटाला। जब आए थे तब क्या क्या तकलीफ हो रही थी? तब तो हम उठ ही बैठ नहीं पा रहे। ये आज पहली बार आई है। अच्छा, इसके पहले तो मैं आता था रिपोर्ट लेकर। तो जब मैं पहली बार आया तो इनका बहुत बुरा हाल था, डॉक्टर ने डायलिसिस बोल दिया था। इवन मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ। मैं तो एकदम रोता हुआ यहाँ आया था कि क्या होगा। सवाल बहुत थे। हाँ, डायलिसिस, ब्लड लॉस, इतने क्वेश्चन थे मन में कि जवाब ढूंढ पाना मुश्किल था। फिर लास्टली आपके पास आया तो ये हुआ, टाइम लगेगा सर, हो जाएगा। अब ये नियरली 3 महीना हो रहा है। मेरी मम्मी उठने बैठने में सक्षम हो गई हैं, चल फिर रही हैं। इलाहाबाद से यहाँ तक आई हैं। इलाहाबाद से यहाँ तक आई हैं। बीच में थोड़ा स्ट्रगल हुआ है, लेकिन पहले से तो देखें, पहले को आपने इम्प्रूवमेंट है। घर में थोड़ा उठ बैठ लेती हैं, अपने से लैट्रिन बाथरूम अपना जो पहले के मुकाबले का इम्प्रूवमेंट। पहले उठ बैठ ही नहीं पा रही थी, तो ये इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आशा करते हैं कि हम एकदम ठीक हो जाएंगे जैसे पहले थी। तो पहले तो डायलिसिस भी बोल दिया था डॉक्टर ने आपको? हाँ, डायलिसिस बोल दिया था। तो डायलिसिस तो हमको बेटर समझते नहीं डायलिसिस, तो इसलिए तो यहाँ आए थे, आपका देखा था, पता चला। तो डायलिसिस का हमने कई केसेस देखे, डायलिसिस ख़त्म हुए हैं। प्रैक्टिकल वे में हमने लोगों से मिले, अपने हिसाब से मतलब सर्विस स्टडी होती है, पता गया तब फिर हम यहाँ पर आए। तो देख रहे हैं जो चीज़ें सामने हैं, रिजल्ट। आशा करते हैं सबको इस ऐसा ही आराम मिले, मेरी अम्मी भी तरह ठीक हो जाए। देखिए, डायलिसिस इनको एडवाइस कर दिया गया था और अब ये साएदा जी इलाहाबाद से खुद आई हैं यहाँ पर चल के। और पहले तो चलने फिरने में भी सक्षम नहीं थी, पहले तकलीफ बहुत ज़्यादा थी। अब तो खैर आपकी दवा से उठने खा पी के उठने बैठने कुछ खाती थी, उल्टी हो जाता था। उल्टी की बड़ी शिकायत थी, ये किडनी के कारण होती है, यूरेमिक सिम्टम्स इसे कहते हैं। क्रिएटिनिन यूरिया बहुत ज़्यादा ब्लड में बढ़ने लग जाता है, तो इस तरह की शिकायत देखने में मिलती है, उल्टी आना, उठने बैठने में दिक्कत होना, जिसे डायलिसिस के लिए बताया जाता है। तो अब तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, वॉमिटिंग वगैरह नहीं है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इनको पहले से। और क्रिएटिनिन अगर हम देखें तो इसके अंदर 4.5 हो चुका है आज की डेट में, 17/10/2018 की यह रिपोर्ट है। 4.5 इसमें क्रिएटिनिन हो चुका है इनका। अल्फा चेक पैथोलॉजी से इन्होंने कराया है, इलाहाबाद से इन्होंने कराया है, नूरुल्ला रोड, खुलदाबाद, इलाहाबाद। उन्होंने लग के सब चीज़ें फॉलो करी और डायलिसिस की प्रोटोकॉल से आज ये बाहर हैं। 3 महीना में पहली बार ये भेंट करने आई हैं ये, और पहले इनके सुपुत्री आते थे। और क्रिएटिनिन जो है वो अब 4.5 के रेंज में आ चुका है एंड शी इज टोटली आउट ऑफ द डायलिसिस प्रोटोकॉल राइट नाउ। तो अब ये है कि इस एज में और इनकी हालत देख के लगता नहीं है कि डायलिसिस इनके लिए संभव भी है। ऐसे बहुत से मरीज हैं जिनका एक फिजिकली इतना वो नहीं होता कि वो डायलिसिस तक करा भी सकें, और जो करा भी सकते हैं, देखा जाता है 50% ऑफ द पेशेंट जो हैं वो डायलिसिस के 6 महीने में सहन नहीं कर पाते और वो एक्सपायर होने की स्टेज तक वो पहुँच जाते हैं। 50% ऑफ द पेशेंट्स ऑफ द टोटल पेशेंट हु आर ऑन डायलिसिस इन द वेरी 6 मंथ्स, द वेरी फर्स्ट 6 मंथ्स, उनका ये देखने में मिलता है। यही कहेंगे, अगर किडनी की किसी प्रकार की समस्या है तो कर्मा आयुर्वेदा के नंबर्स नीचे फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। और ऐसे सैकड़ों हज़ारों पेशेंट हैं जिनको फ़ायदा हुआ है, जिनको इम्प्रूवमेंट आई है, उनमें से एक आज हमारे साथ हैं, साएदा जी जो इलाहाबाद से हैं। और ये भी ज़रूर कहेंगे, मिलते जुलते नामों से सावधान रहेंगे। और हमारी जो है वो सिर्फ नेताजी सुभाष प्लेस प्रीतमपुरा दिल्ली में केवल हम यहाँ पर हैं, और कहीं पर हमारी कोई ब्रांच नहीं है, तो इस चीज के लिए भी आप सावधानी रखेंगे। स्टॉप किडनी डायलिसिस। So friends, if you still have any doubts, any queries regarding kidney failure and its treatment, please comment on the box below the video and please share your feedback. Do not forget to like and share this video and subscribe to the YouTube channel Karma Ayurveda. अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा,
न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 011-4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।